आत्मा नमस्ते, मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। आज बात करते हैं साल 2023 आपके बर्थ डेट की न्यूमरोलॉजी से कैसा रहेगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 4 है, जिसके स्वामी कलयुग के प्रधान ग्रह राहु हैं। ये अंक बहुत चतुराई भरा है। ऐसे लोग किसी से भी काम निकलवाने में माहिर होते हैं। ये लोग नियमों को कम ही मानते हैं और किसी भी नियम को तोड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ये 2023 वर्ष 7 अंक का है, जिसका स्वामी केतु है, जिससे इस वर्ष आपका दिमाग कुछ अधिक भ्रम और वहम भरा होगा और आप मानसिक रूप से परेशानी महसूस करेंगे। करियर के क्षेत्र में अंक 4 के लिए 2023 का वर्ष व्यापार के लिए तो बहुत बेहतर जाएगा, क्योंकि ये 2023 का 7 अंक आपको अपने तेज दिमाग से सामने वालों को शीशे में उतारने में कामयाब करवाएगा। ये वर्ष नए कार्य में आपको नई रिसर्च के साथ, नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के अवसर के साथ, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति भी करवाएगा, जिससे आपकी नई पहचान बनेगी। नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये वर्ष प्रमोशन के लिए कम बेहतर रहेगा, और अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझकर चलें। वैसे भी आप इस वर्ष वहम की वजह से अपने कार्यस्थल में बहुत कुछ खो भी सकते हैं, इसलिए सावधानी रखनी होगी। फाइनेंस के क्षेत्र में अंक 4 के लिए वर्ष 2023 धन को लेकर कुछ खर्चों भरा रहेगा। इस बेवजह खर्चों से बचने के लिए आप सलाह के बिना आगे नहीं बढ़े। अगर आप कुछ कर्ज लेना चाह रहे हैं तो सावधान रहें और बाहर से अधिक कर्ज लेकर किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो आप कर्ज में उलझ जाएंगे और आपकी पहचान खराब होगी। ये वर्ष शेयर मार्केट और लॉटरी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये वर्ष किसी जमीन में निवेश करने के लिए भी लाभदायक रहेगा। रिलेशनशिप के क्षेत्र में अंक 4 के लिए 2023 वर्ष जो है रिश्तों में सावधानी रखने की मांग कर रहा है, क्योंकि आपका वहम और अधिक उम्मीद इस वर्ष रिश्तों को लेकर आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपको इस व्यवहार की वजह से आपसे दूरी बना सकता है। इस वर्ष आप एक से ज्यादा रिश्ते बनाकर अपने पहले रिश्ते को भी खराब कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए ये 2023 वर्ष बहुत इमोशनल भरा जाने वाला है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में आपकी वजह से ही जीवन साथी से दूरी बन सकती है। फिर यही दूरी आपको इमोशनल करेगी और अकेलेपन का एहसास भी करवाएगी। हेल्थ के क्षेत्र में अंक 4 के लिए 2023 का वर्ष सेहत में उतार चढ़ाव लेके आएगा, क्योंकि आप मानसिक रूप से खुद को कमजोर समझेंगे और अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाएंगे और मौसम के बदलाव को भी सह नहीं पाएंगे। यही वजह आपको सेहत में परेशानी करेगी। आपको अपने छाती और गले का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए। इस वर्ष में वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना का योग बन रहा है। वर्ष के अंत में पेट और गले में इन्फेक्शन की समस्या हो तो लापरवाही ना करें। आपके लिए 2023 वर्ष का खास उपाय, शनिवार को आप जरूरतमंदों को भोजन कराएं। आपके लिए शुभ दिन रहेगा बुधवार और शुक्रवार। शुभ रंग रहेगा ग्रे और स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा 4 और 6। आशा है आपको ये जानकारी काम आएगी। साल 2023 आप सबके लिए मंगलमय हो। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, जिसमें हम बात करेंगे मूलांक 5 के जातकों के बारे में। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरोकार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।